हमारी पृथ्वी, इस पर जीवन पनपने में लाखों वर्ष लगे। इसकी प्रकृति ने हमें लाखों उपहार दिए हैं। इनमें से मुख्य है भोजन, जल, वायु और मानव विकास के लिए ढेरों प्राकृतिक संपदाएं, जिनकी वजह से मानव सभ्यता इस पर फली फूली। लेकिन मानव समाज ने एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए और विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जो पृथ्वी हमें जीवन देती है, हमने उसी को जिंदा रखने वाली प्राकृतिक संपदाओं को बर्बाद करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पृथ्वी के वातावरण में एक असंतुलन पैदा हुआ है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले कुछ सालों में मौसम में परिवर्तन आ रहे हैं। कहीं अचानक भारी बरसात, कहीं तूफान, कहीं सुनामी, तो कहीं बाढ़। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये क्यों लगातार बढ़ रही है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के बढ़ते औसत तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सरल तरीके से बोला जाए तो हमारी पृथ्वी को बुखार हो गया है। पृथ्वी के वातावरण में कई तरह की गैसें मौजूद हैं, जिसमें 30 से ज्यादा ऐसी गैसें हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों में रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड आदि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ थर्मल ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं और पृथ्वी पर सीमित मात्रा से कम या ज्यादा गर्मी को होने से रोकती हैं। यानी इन ग्रीन हाउस गैसों का संतुलन हमारे लिए वरदान है और असंतुलन हमारे लिए अभिशाप है। The Industrial Revolution started from 1850 onwards. What you find is that from 1850 till now, the concentration of carbon dioxide in atmosphere have increased by as much as 120 parts per million. Okay, parts per million essentially means that one particle in 1 million particles. Mm-hmm. Okay, so our concentration of carbon dioxide in atmosphere has increased by more than 120 parts per million, which might sound a very small amount. Mm-hmm. But considering the fact that carbon dioxide is a trace gas, mm-hmm. it means it is very little in the atmosphere. Mm-hmm. This 120 million ppm, 120 p parts per million, mm-hmm. also acts as a major greenhouse gas in the atmosphere and is increasing the temperature of Earth. Greenhouse gases में carbon dioxide और methane को सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है, यानी इन गैसों की वातावरण में जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया में वातावरण के विनाश का ये सफर शुरू हुआ 1750 में औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति के बाद पूरे यूरोप में उत्पादन की सारी प्रक्रिया मशीन से होने लगी और ये मशीनें लकड़ी तथा कोयले से चलती थीं। इसके बाद पूरी दुनिया के उद्योगों, घरों, कारखानों, यातायात के साधनों में तेल, लकड़ी, कोयला, डीजल और पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल का प्रयोग जमकर हुआ है और अब भी हो रहा है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन निकलती है, जो हमारे वातावरण के औसत तापमान को बढ़ा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में घरों और उद्योगों में प्रतिवर्ष लगभग 4 अरब टन जीवाश्म ईंधन जलाए जा रहे हैं, जिससे लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड की सालाना वृद्धि हो रही है। और दुनिया में 36% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ कोयले से निकलती है। वन कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने में काफी सहायक होते हैं, लेकिन विकास के नाम पर दुनिया में हर साल लगभग
7 करोड़ हेक्टेयर भूमि से वनों का सफाया हो रहा है, जिसके कारण प्रतिवर्ष 2 अरब टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने में सबसे आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व की कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 22% उत्सर्जित करता है। चीन 17%, यूरोप 17.2%, रूस 6%, जापान 4.7%, भारत 4.1%, ऑस्ट्रेलिया 1.4%। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसके संकेत हमें मिलने लग गए हैं। अगले कुछ सालों में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे दबी मीथेन बर्फ के पिघलने से तेजी से बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और समुद्र किनारे बसे शहरों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इन शहरों के जीव जंतु, वनस्पति तथा अन्य जीव भी नहीं बचेंगे। भारत में भी गंगोत्री ग्लेशियर 1.5 किलोमीटर तक पिघलकर छोटा हो गया है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर घटता जा रहा है, जिसके कारण भविष्य में इन नदियों के आसपास खेती नहीं हो पाएगी। शोधकर्ताओं के अनुसार तापमान बढ़ने से मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता घटेगी और उसमें फसल बढ़ाने वाले कीट नष्ट हो जाएंगे और खाद्यान्न का संकट एक गंभीर चुनौती बन जाएगा। इसकी शुरुआत और असर हम अभी से ही देख सकते हैं। विश्व में सिर्फ 2005 से 2008 तक कुल अनाजों के उत्पादन में 2% की कमी हुई है। मतलब जब पर एकड़ में जो प्रोडक्शन होता था अब उसके मुकाबले काफी कम हो गया है और जो क्वालिटी है मतलब प्रोडक्ट की वो काफी डाउन हो गई है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ही फर्क पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही पड़ा है। जो गेहूं पहले काफी मोटा पैदा होता था वो अब काफी बारीक होता है। जनरली कलकत्ता एंड बिहार विल गेट लॉट ऑफ रेनफॉल, बट दिस ईयर वी आर नॉट गेटिंग रेनफॉल इन दिस टू रीजन्स, वी आर गेटिंग रेनफॉल इन अदर रीजन्स। राजस्थान इज गेटिंग, दिल्ली इज गेटिंग मैक्सिमम रेनफॉल इन दैट वन। दैट इज बेसिकली दिस विल अफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप्स इन दैट रीजन्स। इन कलकत्ता फॉर एग्जाम्पल विल बी ए लेस डाइवर्सिटी दैन द पंजाब। पंजाब यू हैव डिफरेंट क्रॉप टाइप्स आर दैट। कलकत्ता इफ यू सी दैट इन वेस्ट बंगाल only maximum is the paddy. Paddy depends upon the excess rainfall, so you need stagnated water in that area. So since there is no diversity of the crop patterns, that will be more affected, food security will be affected in that Calcutta compared to that of the Punjab. Global warming hamare jeevan ko kisi ek tarah se prabhavit nahi kar rahi hai, balki manav jeevan ke अस्तित्व के विनाश का कारण भी बनती जा रही है। पूरे विश्व में भूकंप, भूस्खलन, प्रचंड आंधी, तूफान, बाढ़, सुनामी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। जल, थल और आकाश और इन पर पनपने वाले जीवन और जैव संपदाओं के बीच संतुलन बहुत जरूरी है, लेकिन अब यह संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शताब्दी पर्यावरण आकलन 2005 के अनुसार विश्व की 10% जैव संपदा खत्म होने के कगार पर है। अब तक 30% मछलियां, 25% सरीसृप, 12% पक्षी, 24% स्तनधारियों की संख्या में कमी हुई है। अगर यह संतुलन यूं ही बिगड़ता रहा तो इसके नतीजे सभी के लिए बहुत ही खतरनाक होंगे। दुनिया के सभी देशों में ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को पहचान कर इसे रोकने और नियंत्रित करने को
प्राथमिकता दी जा रही है। भारत इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ताकि इस विनाश को रोका जा सके। इसके लिए कारखानों में क्लीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल से कार्बन ना के बराबर निकलता है। इसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा को भी बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें बायोफ्यूल्स, फ्यूल सेल्स, भूतापीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। सोलर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ साथ वनों के विकास के लिए हरित क्रांति पर जोर डाला जा रहा है और पब्लिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे निजी वाहनों की संख्या कम हो सके तथा इसके साथ साथ ऐसे वाहनों को सड़क पर से बिल्कुल हटाया जा रहा है जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। भारत में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए तथा इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। मीडिया, सरकार, गैर सरकारी संस्थान तथा व्यक्तिगत प्रयास बहुत जोरों से चल रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और द ग्लोबल वार्मिंग एज वी से इज गोइंग टू बी ऑन फूड सिक्योरिटी। यू नो, फूड प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड एंड नेचुरली स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, नॉट जस्ट बिकॉज फूड इज गोइंग टू बी स्केर्स but also because of, you know, food being destroyed because of various amounts of, you know, natural disasters or, you know, the impacts of global warming as such. So in this area, food security, we have a major program called as PEARL, which is People's Empowerment for Accessing Rights to Livelihood, of which Right to Food is a major, major initiative. We are implementing that in 15 states of India, along with 52 partners. The work of media is to initiate and take care of the problems of society and report the facts. Whatever problems are there in the society, it has to report. And media in India, I think, is doing this job quite responsibly. As far as global warming is concerned, we have seen a lot of programs on different news channels and other television channels, a lot of initiatives. Greenhouse gases mein kami karne tatha global warming ko niyantrit karne ka kaam sirf sarkar aur samaj ka nahi hai. इस कार्य को हम सभी अपने घर से शुरू कर सकते हैं। पानी बर्बाद ना करें। घर से निकलने से पहले बल्ब, पंखा, एसी बंद करें तथा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। साथ ही ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाती हों। मोहित सातवीं क्लास में पढ़ता है और शायद उसे पर्यावरण के बारे में इतनी समझ भी नहीं है, लेकिन वो अपने टीचर की बात समझता है। हमारी टीचर यह कहती है कि अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने पड़ेंगे। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तभी प्रकृति हमें बचाएगी। हालांकि पश्चिमी और विकसित देश पहले से ही वातावरण को ऐसा नुकसान पहुंचा चुके हैं जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती, और अब भी वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने व नियंत्रित करने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन ये बात सभी को समझनी होगी कि ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश, राष्ट्र या समाज की समस्या नहीं है, बल्कि एक साझा समस्या है। हजारों प्राकृतिक आपदाएं हमें बार बार ये चेतावनी दे रही हैं कि हम अब भी संभल जाएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस पृथ्वी पर मानव जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। और पश्चाताप करने के लिए ना तो हमारे पास वक्त होगा और ना ही हम